गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, वेलकम बैक अवर नेक्स्ट साइंस क्लास। स्टूडेंट, इन लास्ट क्लास वी स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 11 ट्रांसपोरेशन ऑफ मटेरियल्स। ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड अब ट्रांसपोरेशन इन प्लांट्स, मींस प्लांट्स में किस प्रकार ट्रांसपोरेशन होता है बाय द जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, सेकेंड, हाउ इज ट्रांसपोरेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स एंड टॉपिक इज ट्रांसपोरेशन इन ह्यूमंस बाय द ब्लड एंड ब्लड सेल्स लाइक थ्री टाइप्स ऑफ रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। एंड द डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड इज द मेन ट्रांसपोरेशन मीडियम इन अवर बॉडी। सो वी हैव डिस्कस्ड इन दिन टॉपिक्स, नाउ वी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट टॉपिक इज ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, ब्लड सर्कुलेट्स इन अवर बॉडी थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। देखिए, जो ब्लड सर्कुलेट्स होता है, जो ब्लड का परिवहन होता है, वो किसके द्वारा होता है? ब्लड वेसल्स के द्वारा होता है, जो एक नेटवर्क के रूप में हमारी बॉडी के अंदर होता है। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ ब्लड वेसल्स। तो ये तीन प्रकार की ब्लड वेसल्स होती है। पहला आता है आर्टरीज। आर्टरीज आर ब्लड वेसल्स दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब जो आर्टरीज रहती है, जो ब्लड आर्टरीज ब्लड वेसल रहती है, वो क्या वर्क करती है? हमारी बॉडी में से ऑक्सीजन लेके हार्ट ब्लड के साथ मिलके हमारी पूरी बॉडी तक फ्लो करती है। देयर वॉल्स आर थिक एंड इलास्टिक एट द ब्लड इज पम्प। और इसकी वॉल कैसी होती है? इसकी दीवार होती है, इसकी जो स्ट्रक्चर होता है, उसकी जो वॉल होती है वो थिक मोटी होती है। ब्लड इज पम्प और इसके अंदर ब्लड पम्प करता है। ओके, आउट ऑफ द हार्ट अंडर हाई प्रेशर, वो बहुत ज्यादा ऊंचाई पे, बहुत ज्यादा दबाव पे, उसके अंदर हार्ट के अंदर द पैसेज वे इज नैरो एज द वॉल इज थिक। और जो इसकी वॉल होती है, जो नैरो वॉल होती है, वो कैसी होती है? मोटी होती है। सेकेंड आता है वीन्स। वीन्स आर ब्लड वेसल दे टेक डू ऑक्सीजनेट ब्लड फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। अब देखिए, जो वीन्स होती है वो क्या करती है? वीन्स ही ब्लड वेसल्स का वर्क करती है। उसी प्रकार जैसे ऑक्सीजन से अदर पार्ट से ऑक्सीजन को लेती है, ब्लड के साथ मिलती है और पूरे हार्ट से वापस बॉडी में आती है। देयर वॉल्स आर थिन कम्पेयर्ड, और इसकी जो वॉल्स होती है वो कैसी होती है? आर्टरीज की कम्पेयर्ड में थिन होती है, मीन्स पतली होती है। इज द ब्लड ट्रेवल्स स्मूथली एट लो प्रेशर, और इसके अंदर ब्लड बहुत धीरे धीरे स्मूथली रूप में लो प्रेशर के रूप में वर्क करता है, ट्रेवल करता है। द पैसेज वे इज वाइडर, और इसका जो पैसेज वे होता है वो कैसा होता है? चौड़ा होता है। वीन्स हैव वेल्व्स एंड द प्रिवेंट द ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग बैक, और जो इनकी वॉल्व होती है वो क्या करती है? ब्लड, जो वीन्स की वॉल्व होती है वो क्या प्रिवेंट करती है? कि ब्लड वापस फ्लो बैक ना हो, मीन्स वापस पीछे ना लौटे। थर्ड आती है कैपिलरीज। आर्टरीज एंड वीन्स ब्रांच इनटू अ नेटवर्क ऑफ एक्सट्रीमली थिन ब्लड वेसल्स टू पिनीट्रेटेड वेरियस टिश्यू इन द बॉडी। अब जो आर्टरीज होती है, जो वीन्स होती है, उनकी जो ब्रांचेस होती है कैसी होती है? बहुत एक्सट्रीमली होती है, पतली होती है लेकिन एक्सट्रीमली चौड़ी फैली हुई रहती है। ब्लड वेसल्स टू वेरियस टिश्यू इन द बॉडी, जो बॉडी के अलग अलग टिश्यूओं में जाती है। दिस फाइन वेसल्स विच अलाउ इजी एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जिसके द्वारा क्या होता है? इन्हीं वेसल्स के द्वारा जो न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होता है बहुत आसान तरीके, सरल तरीके से हो जाता है। गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है एंड अदर मटेरियल्स और कॉल्ड कैपिलरीज, जिसे क्या बोलते हैं? और जो मटेरियल्स होते हैं वो सब उसे बोलते हैं हम कैपिलरीज। एंड अवर नेक्स्ट टॉपिक इज हार्ट, जिसे बोलते हैं हृदय। द हार्ट इज अ फिस्ट साइज मस्क्यूलर ऑर्गन सिचुएटेड बिटवीन द टू लंग्स एंड अबोव द डायफ्राम ऑन द चेस्ट। अब जो हार्ट होता है, जो हमारा हृदय होता है, वो क्या होता है? मस्क्यूलर ऑर्गन देता है, जो कहाँ स्थित होता है? हमारे दोनों, हमारे लंग्स के बीच में स्थित होता है, अबोव द, जो डायफ्राम लंग्स, द टू लंग्स के बीच में, अबोव द डायफ्राम इन चेस्ट, जहाँ चेस्ट होता है उनके नीचे। ओके, इट इज सेंट्रली प्लेस्ड बट टाइटल टू बार द लेफ्ट साइड। ये क्या होता है? हमारे सेंटर में होता है, लेकिन जब हम इसे देखते हैं तो कहाँ दिखता है? हमारे लेफ्ट साइड दिखता है। द ह्यूमन हार्ट इज फोर चेम्बर्स, और जो ह्यूमन हार्ट होते हैं उनके फोर चेम्बर होते हैं हार्ट के अंदर। द लेफ्ट एंड राइट आट्रियम एंड द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल, दो होते हैं लेफ्ट एंड राइट एट्रियम होते हैं और दो होते हैं लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स।
ब्लड फ्लो फ्रॉम द अपर चेम्बर, जैसे ही ब्लड अपर चेम्बर पे फ्लो होता है कॉल्ड एट्रिया बोलते हैं, उसे बोलते हैं एट्रिया। टू द लोअर टू चेम्बर्स कॉल्ड वेंट्रिकल्स, और जहां दो नीचे चेम्बर्स में ब्लड फ्लो होता है उसे बोलते हैं वेंट्रिकल्स। द वेंट्रिकल्स देन पंप द ब्लड इनटू द आर्टरीज, और जो वेंट्रिकल होता है उसका वक्त क्या होता है, ब्लड को पंप करवाना होता है जो आर्टरीज से केरी, जो आर्टरीज से लेके आते हैं वो ब्लड को, टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाना रहता है। आर्टरिया एंड स्मॉलर एंड थिन वॉल, और जो आर्टरिया होती है वो कैसी होती है, छोटा होता है, उसकी जो वॉल होती है, उसकी जो दीवार होती है वो पतली होती है। वेयर इज वेंट्रिकल्स आर बिगर है थिकर वॉल्स, और जो वेंट्रिकल्स होता है वो बड़ा होता है, उसकी वॉल मोटी होती है। दिस इज बिकॉज आर्टरिया रिसीव ब्लड वेयर इज, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आर्टरिया होता है वो ब्लड को रिसीव करता है और जो वेंट्रिकल्स होता है वो ब्लड को पंप करवाने में वर्क करता है। नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ द हार्ट। अब हार्ट के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। द कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ ब्लड अराउंड द बॉडी इज कॉल्ड सर्कुलेशन। देखिए, जहां पर ब्लड फ्लो होता है पूरे हार्ट के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर, उसे बोलते हैं हम सर्कुलेशन या परिवहन या परिसंचरण। ब्लड टेक्स अबाउट हाफ अ मिनट टू कंप्लीट अ फुल सर्कुलेशन, और जो ब्लड होता है, जो हमारा रक्त होता है, वो हाफ अ मिनट में, बिल्कुल आधे मिनट में पूरा सर्कुलेशन कंप्लीट कर लेता है। अब आता है डायस्टोल। व्हेन ऑल द हार्ट मसल्स रिलैक्स, जब सारी हार्ट की मसल्स, जितने भी हमारे हार्ट होते हैं, सॉरी हमारे जो बॉडी का हार्ट होता है, जब वो रिलैक्स कर रहा होता है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हेड एंड बॉडी इंटर्स, तो वो क्या होता है, जो डी ऑक्सीडेड ब्लड होता है वो हमारे हेड मीन्स हमारे सिर में और हमारी बॉडी में इंटर होता है। द राइट ऑरिकल थ्रू द टू वेन्स, नेम जिसे दो नाम दिए गए हैं उस वेन्स को, द सुपीरियर वेन केव फ्रॉम द हेड, पहला है जो अब जब हेड में जाता है तो उसे बोलते हैं सुपीरियर वेन केव, एंड सेकेंड द इंफीरियर वेन केव फ्रॉम द बॉडी, और जब वो बॉडी में जाता है। ओके, एट द सेम टाइम ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स इंटर द लेफ्ट ऑरिकल, उसी प्रकार उसी समय जब ब्लड हमारे लंग्स में इंटर होता है लेफ्ट साइड ऑरिकल में थ्रू द पल्मोनरी वॉल, जिसे बोलते हैं पल्मोनरी वेन, दिस फेज इज नोन एज डायस्टोल, उसे बोलते हैं, उस फेज को जानते हैं हम डायस्टोल के नाम से। जब ब्लड हमारा पल्मोनरी वेन में जाता है लेफ्ट ऑरिकल से, तो उसे बोलते हैं हम डिसॉल्व। ओके, नेक्स्ट आता है सायस्टोल। नाउ द ऑरिकल्स फिल्ड विथ ब्लड कॉन्स्टेंट फोर्सिंग द ब्लड इन टू द वेंट्रिकल्स, जब ऑरिकल से फिल्ड ब्लड ब्लड के साथ फिल होता है, तो जब फोर्स के साथ, एकदम दबाव के साथ जब ब्लड हमारा वेंट्रिकल्स में आता है, वेन द वेंट्रिकल कॉन्स्टेंट द ब्लड इज फोर्स इन टू टू आर्टरीज, तो उसी प्रकार जो वेंट्रिकल्स होती है उनमें भी फोर्स के कारण दो आर्टरीज होते हैं, जैसे बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा। द इंक्रीज इन प्रेशर क्लोज द वॉल बिटवीन द राइट ऑरिकल एंड वेंट्रिकल एंड बिटवीन द लेफ्ट। देखिए क्या होता है, जब प्रेशर लगता है हमारे पल्मोनरी आर्टरी पर क्लोज टू वेल्व बिटवीन, उन दोनों के बीच की जो वॉल्व रहती है, द राइट ऑरिकल एंड वेंट्रिकल, जो राइट ऑरिकल रहता है और लेफ्ट वेंट्रिकल रहता है, एंड बिटवीन द लेफ्ट ऑरिकल एंड वेंट्रिकल मेकिंग अ लप साउंड, तो कैसा साउंड बनता है, जब लेफ्ट ऑरिकल और वेंट्रिकल मिल्ट के बनाते तो हमें लब का साउंड सुनाई देता है। दिस प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड टू ऑरिकल, जो क्या करता है, ब्लड और क्या प्रिवेंट करता है, ताकि ब्लड वापस बैक फ्लो माने मतलब ऑरिकल से ब्लड वापस पीछे ना जाए। द राइट वेंट्रिकल पंप ब्लड इन टू द पल्मोनरी आर्टरी, और जो राइट वेंट्रिकल होता है वो पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड पंप करने का वर्क करता है, विच कैरीज दिस डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। द लेफ्ट वेंट्रिकल पंप ब्लड इन टू द एओर्टा, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसका वर्क होता है ब्लड को एओर्टा में पंप करना, विच डिस्टर्ब द ऑक्सीजनेट ब्लड राउंड द बॉडी, जिससे क्या होता है, जब हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा हो तो उसे डिस्टर्ब ना करें। द वेल्वस इन द वॉल्व इन द आउटलेट ऑफ द वेंट्रिकल क्लोज वेन द वेंट्रिकल रिलीज मेकिंग अ डब, उसी प्रकार जब वॉल्व आउटलेट होती है वेंट्रिकल बंद होता है, वेन द वेंट्रिकल रिलैक्स, और जब वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा होता है तो डब का साउंड आता है,
दिस प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल, जो क्या प्रिवेंट करता है ताकि ब्लड वेंट्रिकल से वापस फ्लो ना हो, पीछे तरफ ना जाए। दिस फेज इज नोन एज सिस्टोल, जिसे सिस्टोल के नाम से जानते हैं। द हार्ट इज दस नॉट वन पंप बट अ डबल पंप। देखिए जो हार्ट होता है केवल एक बार पंप नहीं करते, डबल पंप करते हैं। द फॉलोइंग थिंग्स हैपन विथ एवरी हार्ट बीट, और ये हर एक हार्ट बीट के साथ प्रोसेस होती है। द राइट साइड ऑफ द हार्ट पंप डी ऑक्सीजनेट ब्लड टू द लंग्स टू कलेक्ट ऑक्सीजन। देखिए जो राइट साइड का हार्ट पंप होता है वो क्या करता है, ब्लड को लंग्स में से सारी ऑक्सीजन को कलेक्ट करता है। एट द सेम टाइम द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पंप ऑक्सीजन ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। उसी प्रकार जो लेफ्ट साइड का हार्ट होता है वो क्या करता है, पंप जब हो रहा होता है ऑक्सीजनेटेड को, ब्लड जो उसमें ऑक्सीजन मिक्स रहती है ब्लड में, फ्रॉम द लंग्स वो लंग्स से सारे बॉडी पार्ट में पहुंचाता है, वेयर ऑक्सीजन इज रिलीज, जहां पर ऑक्सीजन रिलीज्ड होती है। सो स्टूडेंट्स हैव यू अंडरस्टैंड, इन नेक्स्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।